ऐसे तीन मौके आपको दिखाएंगे जब T20 वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजों ने सबसे जबरदस्त ओवर किए और विपक्षी टीम को हरा दिया। नंबर 3, हार्दिक पांड्या 2016 विश्व कप में भारत बनाम बांग्लादेश टीम। इस मुकाबले को भला कौन भूल सकता है। 147 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 136 रन बना लिए थे और उन्हें सिर्फ 11 रन आखिरी ओवर में चाहिए थे। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा। उस ओवर की पहली गेंद पर महमूदुल्ला ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर मुश्फिकुर रहीम ने चौका लगाकर जबरदस्त सेलिब्रेशन किया। तीसरी गेंद पर भी रहीम ने चौका जड़ दिया और अब यहां से 3 गेंदों पर सिर्फ 2 रन चाहिए थे और बांग्लादेश की जीत लगभग तय थी। लेकिन तभी चौथी गेंद पर रहीम बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में धवन को कैच थमा बैठे। पांचवी गेंद पर महमूदुल्ला आउट हो गए। आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को जीतने के लिए 2 रनों की दरकार थी और टाई के लिए 1 रन चाहिए था। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने बाई के रूप में 1 रन लेने की कोशिश की, लेकिन MS धोनी ने फुर्ती दिखाते हुए स्टंप बिखेर दिए और भारत ने सिर्फ 1 रन से ये रोमांचक मुकाबला जीत लिया। नंबर 2, शिरसंत वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2007 ग्रुप स्टेज। इस मुकाबले को भारत ने बॉल आउट में जीता था क्योंकि ये मैच टाई हो गया था। भारत ने पहले खेलते हुए 141 रन बनाए और पाकिस्तान ने भी इतने ही स्कोर बनाए। हालांकि एक समय पाकिस्तान एकदम जीत की स्थिति में था। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम 19 ओवर तक 6 विकेट पर 130 रन बना चुकी थी। आखिरी ओवर में उन्हें 12 रन चाहिए थे और मिसबाउल हक क्रिज पर थे। शिरसंत को आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी कप्तान धोनी ने सौंपी। मेजबान ने शिरसंत के उस ओवर की दूसरी और चौथी गेंद पर चौका लगाकर भारतीय फैंस को खामोश कर दिया। पहली 4 गेंदों पर ही 11 रन बनाकर पाकिस्तान ने मैच टाई करा लिया था और जीत के लिए उन्हें अगली 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन चाहिए था। लेकिन यही से मैच का रुख पलट गया। 5वीं गेंद पर मेजबान बीट हो गई और 1 भी रन नहीं बना पाए। आखिरी गेंद पर धोनी ने आकर शिरसंत को समझा दिया और आखिरी गेंद पर मेजबान रन आउट हो गए। इसके साथ ही ये मैच टाई हो गया और बॉल आउट में भारत ने मैच अपने नाम कर दिया। और नंबर 1, जोगिंदर शर्मा बनाम पाकिस्तान 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल। जोगिंदर शर्मा के उस ओवर की बदौलत भारत ने 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। फाइनल मुकाबले में 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने 19 ओवर तक 9 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना लिए थे और उन्हें आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए। पहली गेंद वाइड जोगिंदर शर्मा ने फेंकी और दूसरी गेंद पर उन्होंने मिसबाह को कोई रन नहीं बनाने दिया। तीसरी गेंद पर मिसबाह उलक ने छक्का जड़ दिया। अब पाकिस्तान को सिर्फ 6 रनों की दरकार थी। लेकिन तीसरी गेंद पर मिसबाह ने स्कूप शॉट खेलना चाहा, लेकिन शिरसंत को कैच थमा दिया और भारत ने मैच 5 रन से अपने नाम कर दिया। वाकई ये 3 ओवर आज तक दुनिया याद करती है। आपको कौन सा अच्छा लगा अपनी राय दीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।